अपनी लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जिन्हें वो एक दशक से भी ज्यादा से डेट कर रही थी उनके साथ शादी रचा ली। ये एक सीक्रेट शादी थी जिसमें कुछ ही मेहमान शामिल हुए थे और मीडिया की इस पर नजर तक नहीं पड़ी। वहीं उदयपुर में दोनों की शादी संपन्न हुई, जहां पारिवारिक सदस्य और कुछ चुनिंदा मित्रों के साथ ही दोनों ने आपसी फेरे लिए। हालांकि उस वक्त आपसी ने अपनी शादी को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था। बता दें हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तापसी पन्नू शादी की जोड़ी में डांस करती नजर आ रही थी। ये वीडियो उनकी शादी की एंट्री का था जिसे लेकर नेटिजन से लेकर मीडिया कर्मी सभी शॉक थे। सवाल ये है कि जिसके दुल्हनिया तापसी पन्नू बनी है वो शख्स कौन है और वो क्या करते हैं। दरअसल मैथियास बॉय डेनिश बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने 1988 में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की शुरुआत की। उन्होंने साल 2012 में हुए ओलंपिक में मेन्स डबल्स में सिल्वर मेडल भी जीता था। इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2013 में इंडियन बैडमिंटन लीग के दौरान हुई थी। मैथियास लखनऊ स्थित टीम अवध वॉरियर्स का हिस्सा थे, जबकि तापसी पन्नू चैंपियन हैदराबाद हेडशॉट की ब्रांड एम्बेसडर थी। साल 2014 में दोनों की डेटिंग की अफवाहें तेज हो गई। जब मैथियास इंडिया ओपन में खेल रहे थे तभी तापसी पन्नू अक्सर उनका हौसला बढ़ाती दिखाई देती। इस रिश्ते पर मुहर तब लगी जब दोनों एक दूसरे के पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने लगे। सीएम एक्सरे की एक रिपोर्ट की माने तो मैथियास बो, जिनका बैडमिंटन करियर काफी शानदार रहा है, उनकी कुल संपत्ति लगभग $5 मिलियन की है। वहीं तापसी पन्नू की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 43 करोड़ की आकी गई है। ऐसे में देखा जाए तो दोनों की नेटवर्थ में करोड़ों का फासला है, जहां तापसी पन्नू की नेटवर्थ मैथियास की नेटवर्थ से थोड़ी सी कम भी है।